नमस्कार साथियों, आज इस चैनल पे आपसे फिर से मैं रूबरू होने के लिए आया हूँ। और आज की जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्यों, ऐसा क्या कारण है आज का वीडियो ऐसा खास है? आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज मैं आपको स्क्रीन के सामने संपूर्ण रूप से एक पीपीटी के द्वारा यानी पावर पॉइंट के द्वारा मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। तो वो प्रेजेंटेशन इस तरह की रहेगी कि आपको बहुत ही देखने में आनंद आएगा, और दूसरी बात, आपको पूर्ण रूप से पता भी चल पाएगा कि इस संस्था में किस तरह से क्या करना होता है, और आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें ए से जेड तक का संपूर्ण नॉलेज आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आपको जुड़ना है, किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या काम आपको करने हैं, किस तरह से फ्री रहेगा, किस तरह से फीस लगेगी, सारा सब कुछ आपके मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसके बाद डिस्कस जरूर करेंगे। तो आगे ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान रहे, आप वीडियो को स्किप न करें, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट स्लाइड दिखाई दे उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ। धन्यवाद, स्क्रीन शेयर हो रही है, देखिए। तो नमस्कार साथियों, हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं हमारी स्क्रीन लेके। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बात करेंगे, जिसमें किसकी बात हो रही है साथियों, शायद आपको पता ही होगा। सॉरी, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था की बात करेंगे हम। वन टू वन बात आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, और जो भी बात आज हमारी होगी वो एक स्लाइड के थ्रू, पीपीटी के थ्रू होगी। तो इस स्लाइड में आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, और इसके बाद में हम आगे की स्लाइड की ओर जा रहे हैं। आगे की स्लाइड में बात करें SPLCWO, इसका मतलब भी आप पीछे की स्लाइड में जान चुके हैं साथियों, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था का नाम है जिसकी एक जिसका शॉर्टकट है। तो अब हमें जानना है कि इसके चेयरमैन कौन है। सबसे पहले जो लोग पहले से संस्था के साथ काम कर रहे हैं उनको पता है, जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता नहीं है। उनका नाम है श्री सत्यपाल सिंह जी, जिनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के हमें दिया, और जिनका चित्र भी आप देख सकते हो ये है। क्यों साथियों, ठीक है ना, यही है ना। आप कमेंट करते रहिए, आपको ये वीडियो किस प्रकार लग रहा है, किस प्रकार की जानकारी है वो आपको लग रही है मेरी। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे कि मैं यदि यहाँ आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, मनी के लिए। आप भी यदि यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो, मनी के लिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आने का हमारा मकसद तो हो गया मनी, लेकिन ये मनी मिलेगी कहाँ से, ये मनी कहाँ से मिलेगी हमारे को। ये मनी मिलेगी, ये नाम पढ़िए क्या है, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हमारे को मनी मिलेगी। अब बात आती है, यहाँ से मनी तो मिलेगी, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से मनी मिलेगी, लेकिन मनी मिलेगी किसे साथियों? नो फिक्र रहे, बिल्कुल नो टेंशन रहे। आज हम सारी स्लाइडों के माध्यम से सारी आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर कर देंगे। जो भी नया व्यक्ति जुड़ेगा शायद वो भी लगभग मेरे हिसाब से 70% चीज़ यहाँ से समझ जाएगा। तो आगे की स्लाइड में हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे मनी के लिए आए हैं। अब पता है आपको मनी बैठे बैठे तो मिलती नहीं है, यहाँ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब वर्क करना क्या पड़ेगा, ऐसा कौन सा वर्क है जिसको करने से मनी आएगी? वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किस संस्था के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन किस किस चीज़ में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले नंबर एक है, यहाँ पे SPLCASE.com पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक तो आप SPLCASE.com पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिनकी लिंकें भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नो फिक्र रहिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो भी मुझे आप पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पर। उसके बाद में आपको एक करना पड़ेगा SPLStudy.com में। अब साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या ये ज़रूरी है, पहले हम SPLCASE.com में रजिस्ट्रेशन करें?
फिर study.com में करें, कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आप किसी में भी कर सकते हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में अनिवार्य करना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आप SPLKS.com में कर सकते हो, SPLStudy.com में कर सकते हो, पहले आप स्टडी में कीजिए और उसके बाद भी केस में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि एक अच्छा लग रहा है तो एक में कीजिए, दोनों अच्छा लग रहे हैं तो दोनों में कीजिए। मैं तो आपको ये राय दूंगा कि दोनों में कीजिए। अच्छा ठीक है, की बात करते हैं कि आपको वर्क करना क्या पड़ेगा। ठीक है, मान लिया आपने वर्क के लिए आए हैं, वर्क करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये दोनों में से किसी एक में या दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में काम क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं SPLKS.com की, कि SPLKS.com में क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे, किस तरह से करने पड़ेंगे। तो SPL.com में आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी आप अपना वीडियो बनाकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऐसा भी एक यहाँ पे YouTube चैनल है, क्योंकि संस्था के 22 YouTube चैनल है, उनमें से अलग अलग प्रकार के चैनल हैं, अलग अलग प्रकार के चैनल पे आप अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर सकते हैं या आप टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग भी लिख सकते हैं आप, जितना अच्छा आपका ब्लॉग होगा, जितना अच्छे आपकी ब्लॉग को रैंकिंग मिलेगी, जितने व्यू मिलेंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। यहाँ पे आपका आप टाइपिंग वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि संस्था के पास बहुत सारे काम पड़े रहते हैं पेंडिंग में, जिनको करने के लिए कुछ ना कुछ लोग तो चाहिए, तो आप संस्था के साथ टाइप होके ये काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यूट्यूब वीडियो बनाकर, जैसे मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाई है मैंने, आप इसे को देख रहे हो, इससे जो होने वाली अर्निंग है उसका फ़ायदा मुझे भी है और संस्था को भी है। इस प्रकार का काम कर सकते हो आप। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने का काम अब नहीं होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर सिस्टम ये ऑनलाइन हो गया है, पहले ऑफलाइन था, तो उसमें फॉर्म फिलिंग करने के लिए भी एक्स्ट्रा लोगों को रखा जाता था, लेकिन अब फॉर्म फिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद ही हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कर लेते हैं। उसके बाद में जो नंबर 5 है वो वीडियो अपलोड करके, यानी संस्था के साथ आप जुड़ जाओगे तो आपको ये काम है वो भी आप कर सकते हो, वीडियो अपलोड करने का, जिसमें लोगों के द्वारा जो वीडियो आएगी उनकी आपको अपलोड करना है, उन वीडियोज़ को आपको अपलोड करने का काम रहेगा। मॉडरेट का भी आप काम कर सकते हैं, कहने का मतलब जो भी यहाँ पर वीडियो है, ब्लॉग है, उस सब को आपको इस हिसाब से कोऑपरेट करना है, एक व्यक्ति को इस हिसाब से कोऑपरेट करना है कि उसको जो भी आप काम, व्यक्ति ने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने संस्था के जीमेल पर कोई वीडियो भेजा है, उसको कब अब काम आपका है कि उसको आप उसका जो टाइटल है वो सही तरीके से अगर नहीं लिख के भेजा तो सही तरीके से लिखो, वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिंक करने का काम आपका यहाँ पे रहेगा, और यानी उसकी सारी देख रेख करने का काम आपका रहेगा। उसके बाद है आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसमें होते हैं शायद, अब मुझे भी कंफर्म नहीं है, सर को पूछना पड़ेगा ये सिस्टम, क्योंकि मेरे को इसमें जुड़े हुए टाइम हो गए हैं। तो ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन का जो सिस्टम है ना, वो पहले शुरुआत में सारा सिस्टम लगभग ऑफलाइन था, धीरे धीरे आते आते ऑनलाइन हो रहा है। ये भी सर से बात करेंगे, फाइनल करेंगे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी अब चालू है या नहीं है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम SPLStudy.com की। ये बात हो गई SPLKS.com में, यदि आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये काम आप कर सकते हो। 7 काम हैं वो आप कर सकते हो, इस 7 कामों में भी आगे बहुत सारे काम मिल जाएंगे, जैसे बच्चे को पढ़ाना ये आपके ऊपर कोऑपरेट होता है, इसका मॉडरेट आप करोगे कि आप किस तरीके से क्या सब्जेक्ट किस तरह है क्या कैसे पढ़ा सकते हो, आप ब्लॉग लिखोगे तो आपको पता है कि आप किस तरह का ब्लॉग लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, वीडियो बनाने का काम आपने लिया है तो अब आपका काम है आगे उसको मॉडरेट करना कि आप किस तरह का वीडियो बनाए, जैसे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये सारा सिस्टम है। अब बात करते हैं SPLStudy.com की। तो SPLStudy.com में आपको काम करना होता है केवल वीडियो को देखना और ब्लॉग को पढ़ना। आप जितनी ज़्यादा वीडियो को देखोगे उतनी इनकम, जितने ज़्यादा ब्लॉग को आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम। चलिए मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, SPL.com पर भी चले गए या SPLKS.com पर चले गए या फिर SPLStudy.com में चले गए। अब रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, देखो सीधा आप गूगल पे सर्च करोगे तो यदि आप SPLKS.com में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको 663 स्पॉन्सर नंबर लगाना है,
उसके बाद में अपना जो भी बायोडाटा है वो भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यदि आप SPLStudy.com पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यदि, तो उसके लिए भी आपको एक लिंक स्पॉन्सर की ज़रूरत रहेगी। अगर वहाँ पे गूगल पे सर्च करके जाओगे तो आपको स्पॉन्सर नंबर की ज़रूरत रहेगी, वो है 9777271957। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक दूसरा मौका है कि जैसे आपने मेरी ये वीडियो देखी या ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये देखिए, यहाँ से ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं लगभग शायद आज के टाइम में तो 90% लोग जो यूट्यूब सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। बाकी फिर भी हो सकता है कोई ऐसा बंदा जो आज पहली बार ही यूट्यूब पे आया हो उसको पता नहीं, तो मैं बता दूं ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन है, इसके लिंक में इसके सॉरी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो एक तो है ये SPL केस रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर लगा हुआ ही आ जाएगा। और दूसरा है SPLStudy.com रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे भी सीधा आपका स्पॉन्सर है वो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ ही आएगा, आपको केवल अपना बायोडाटा लिखना है। ठीक है साथियों, रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, वैसे तो साथियों मैं इसको कहूँगा कि ये फ्री है, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि यदि किसी चीज़ को, मान लीजिए एक चीज़ का आपको पेड करना होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और कुछ समय के बाद यदि आप काम करोगे तो आपको वापस दे दी जाएगी, तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या हुआ, फ्री। तो मैं तो इसको फ्री ही नाम दूंगा। अगर आप SPLcase.com में काम करोगे, अगर आप SPLcase.com में काम करोगे तो आपको इसमें भी कुछ पेड करना होगा, वो पेड क्या करना होगा, आपको 800 रुपये करने होंगे। और उसके बाद में यदि आपने SPLStudy.com में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें भी आपको कुछ पेड करना होगा, वो है 200 रुपये। उसके बाद में आपका होता है वर्क स्टार्ट। अगर आपने ये पेड नहीं भरा है तो इसका मतलब आपको इनकम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करते ही आपका पहला काम है ये पेड भर देना है आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि पहले वीडियो देखेंगे बाद में भरेंगे, साथियों नो फिकर, नो टेंशन रहिए, मेरे पे भरोसा कीजिए आप, आपको ये रुपये वापस मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इसकी व्याख्या हम आगे की स्लाइडों में करेंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या होता है, वर्क, आपने अपना पेड भर दिया 800 रुपये का या 200 रुपये का पेड आपने भर दिया, दोनों करोगे तो टोटल 1000 रुपये, एक करोगे तो 200, एक करोगे तो 800। तो उसके बाद में आपको सबसे पहले SPLcase.com में आपको किस तरह से इनकम आएगी, किस तरह से क्या सारा सिस्टम रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, ये आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना पेड बनने के बाद में अपना इंट्रो वीडियो बनाना है। सबसे पहला काम है आपको अपना इंट्रो वीडियो बनाना है, और वह वीडियो और वीडियो के ऊपर जो लगाने वाली थंबनेल है, फोटो है, आपको संस्था की जो ईमेल आईडी है SPLLiveLearning@gmail.com पर भेज देवें, साथ में अपने वीडियो का टाइटल भी सही से लिख देवें, और आपका वीडियो संस्था के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। ध्यान रहे आपका इंट्रो वीडियो है वो स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल पर ही अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप अपने लेवल को पूरा करना होगा आपको, जो आगे की स्लाइड में दोहराया जाएगा। ध्यान रहे जब आपने इंट्रो वीडियो भेज दिया तो आपका काम है, यदि आप जो भी पीछे मैंने 7 काम बताए उनमें से एक काम ले लीजिए। जैसे मैंने अपना काम ठाना कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा पर्सनली वीडियो और अपलोड करता रहूंगा, यानी संस्था के द्वारा करवाऊंगा, मैंने मेरा वीडियो बनाया और संस्था के जीमेल पर भेज देता हूँ और वीडियो उनके द्वारा पब्लिश करवा दिया जाता है। तो यदि आप यही काम देखते हैं कि भी मुझे भी वीडियो ही बनाना है, तो आपको इनकम लेने के लिए एक लेवल पूरा करना पड़ेगा। पहला लेवल होता है, इसमें लेवल की बात है वो आगे की स्लाइड में की जाएगी। टोटल एक लेवल में 10 लोग होते हैं। यदि आप स्वरूपोत में जुड़ते ही क्या करना है, आपको वीडियो बनाते रहो साथ में, और अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान रहे संस्था के जो नियमानुसार कम से कम अगर आप अपना पहला लेवल पूरा करना चाहते हैं या पूरा करोगे,
यानी आप अपने डायरेक्ट में 10 बेरोजगार लोगों को जोड़ोगे तभी आपको पेमेंट मिलना चालू होगा, क्योंकि संस्था आपको तभी मानेगी कि यह व्यक्ति काम करने का इच्छुक है। अगर आप जोड़ोगे ही नहीं तो संस्था को कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति काम करना चाहता है, क्योंकि फोकट में कुछ भी कहीं भी नहीं मिलता है। आप बेरोजगार लोगों को ढूंढोगे, जोड़ोगे तो ही आपको यहाँ से इनकम आएगी। ये काम 10 लोगों का, यानी आपने अपना एक लेवल पूरा करने के बाद में आपको उन लोगों का कमीशन भी प्रति व्यक्ति 200 के हिसाब से, और आपका 800 रुपये कमीशन है वो भी आपको वापिस मिल जाएगा। ये सब आपको मिल जाएगा। इस संस्था में जो लेवल है उसकी व्याख्या अगली स्लाइड में की जाएगी। इस संस्था में कुल 22 यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अपनी वीडियो पब्लिश करके इनकम ले सकते हैं। 22 प्रकार के यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ब्लॉग लिखकर भी आप इनकम ले सकते हैं। तो ये बात शायद आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गई होगी। तो आगे की स्लाइड में चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा वीडियो पब्लिश नहीं हो रहा है। जो पहली बार, मैं बता दूं आपको, जो पहली बार लोग वीडियो बनाते हैं वो इंट्रो वीडियो उनको बनाना नहीं आता है, उनको इंट्रो वीडियो में कुछ समस्याएं आती है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपना इंट्रो वीडियो कैसे बनाएं, SPL लाइव लर्निंग चैनल पर सर की वीडियो है। हो सकता है आपको थोड़ा डेप्थ तक जाना पड़े, लेकिन आपको वीडियो, इस लोगो का वीडियो मिलेगा, यह आप ज़रूर देख लो, इस लोगो का वीडियो मिलेगा। तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें आप देखें किस प्रकार से वीडियो बनाना है, तभी आपका वीडियो पब्लिश होगा। चलिए आगे की जानकारी देते हैं स्लाइड में क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं SPLcase.com पर जो इनकम लेवल है वो किस प्रकार से हैं। इनकम लेवल का ये जो पेज है, इसमें जो कुल आय है ये आप देख सकते हैं, और लेवल है कुल 7 लेवल यहाँ से होते हैं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए, मैं भी मानता हूँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसकी कॉपी आप मेरे व्हाट्सएप से भी ले सकते हो मुझे मैसेज करके, या फिर जो ये वेबसाइट दिख रही है आपको यहाँ से www.splcase.com, यहाँ पर भी जाके आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टीम आपको बनानी होगी, और टीम बनाने के लिए आपको पता ही है आपको सुबह से शाम तक एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने एक टीम बनाई है, जिस प्रकार से आप इस फोटो में, स्लाइड के इस 2 नंबर फोटो में आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार हमारी टीम बनी है, इसी प्रकार से आपके लेवल पूर्ण होते जाएंगे और आपको अपनी इनकम भी आती रहेगी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं SPLstudy.com पर। मान लीजिए आपने SPLstudy.com में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, 200 रुपये का पेड भर दिया, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इनकम आएगी। क्या क्या करने से आएगी, सबसे पहला काम, यहाँ आपको प्रति रेफर से 50 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 200 रुपये का पेड भर दिया, उसके बाद में आपने किसी को भी अपने रेफर से जोड़ा है, तो 50 रुपये उसके ज्वाइन होने से आपको मिलेगा। उसके बाद काम है, वीडियो देखने के रुपये मिलेंगे, यानी आपको वीडियो देखना है, प्रति वीडियो से आपको बैलेंस मिलेगा, वो सारा सिस्टम SPLstudy.com पर शो होगा। महीने में वो कुछ कंडीशन है जो SPL लाइव लर्निंग चैनल पे आती रहेगी सर के द्वारा, कि इसकी क्या क्या कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कि भी कितने दिन में कितने, यानी महीने में कितने घंटे टोटल होना चाहिए, किस किस प्रकार से, ये सारा आपको शो हो जाएगा। ब्लॉग पढ़ने के रुपए भी आपको यहाँ से मिलेंगे, और उसके लिए भी आपको क्या बनानी होगी, टीम तो आपको खड़ी करनी ही होगी अगर आपको इनकम लेनी है तो। आगे की बात करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, इस सब काम को करने के लिए अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। चलिए तो एजुकेशन लेनी कहाँ से, एजुकेशन लेनी है आपको SP लाइव लर्निंग पे SP सर की, यानी सत्यपाल जी की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देखना है, गौर से देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, तो आपके पास इस चीज़ की क्या आएगी, एजुकेशन आएगी। और अगर एजुकेशन आपको मिल जाएगी तो आप क्या कर सकोगे, आप पूर्ण रूप से,
सही तरीके से आप वर्क करने में वर्क कर सकते हो। चलिए उसके बाद में अगर आप सही तरीके से वर्क करने लग जाओगे, वर्क करने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो उसके बाद में सिर्फ 7 स्टेप से आप इतने देख लीजिए, आप खुद संख्या देख लीजिए कितनी है, इससे कहीं ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बीज बोना पड़ेगा। एक पेड़ जब भी बड़ा होता है तब एक छोटा सा बीज बोया जाता है, उसकी रखवाली की जाती है, समय समय पर उसको भोजन पानी, भोजन वो ग्रहण करता है, पानी उसको दिया जाता है, तभी वो एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण करता है। अगर आपको 7 स्टेप में इतनी कमाई करनी है तो आपको बीज बोना पड़ेगा। और बीज कहाँ बोया जाता है, बीज कहाँ बोया जाएगा, जो हमने एक पीछे की स्लाइड में देखा था, SPL.com पर रजिस्ट्रेशन तो लोग बहुत सारे कर लेते हैं, उसका मतलब उन्होंने बीज बोया नहीं है, बीज को घर में लाकर तो रख लिया है, बोएंगे वो सोच रहे हैं बोएंगे, लेकिन बोने का मतलब है कि आपने अपना काम वर्क स्टार्ट कर दिया है 800 रुपये और 200 रुपये का पेट भर के, तब वो बीज बोया जाता है। उसके बाद में धीरे 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 काम करते जाओ करते जाओ, 7 स्टेप में आपका पूरा एक वृक्ष बन जाएगा। आगे आने वाला जो 17 है साथियों 2021 का है, और 2021 में संस्था ने और भी बहुत सारे कार्य करेगी संस्था, और जो संस्था का मेन मुख्य मकसद है वो आप देख लीजिए, संस्था का उद्देश्य है, पूरा वीडियो देखें सुने समझें और दूसरों को भी बताएं, नौकरी और पैसा घर बैठे पाएं, यही संस्था का उद्देश्य है। और आगे आने वाले सिस्टम में और भी ज़्यादा यहाँ से हम इनकम कर पाएंगे। तो चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं, फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ, मेरे जो ID नंबर है वो 663 है, जो मेरे स्पॉन्सर नंबर है 9772721957 है, यही मेरे मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कर सकते हो और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा नाम पारस रामुंड है और ये मेरा इमेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ID नंबर स्पॉन्सर नंबर की यदि आपको आवश्यकता पड़े तो, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी जाकर जुड़ सकते हो। और अंतिम स्लाइड है आपके लिए, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद ये पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और ध्यानपूर्वक देखने के लिए, और उससे भी बड़ा थैंक्स SPLcash.com और SPLstreet.com पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मुझे पूरा भरोसा है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर फिर भी नहीं किया तो वीडियो पूर्ण होने के बाद में आप कर लोगे, तो आपका बहुत बहुत आभार तहे दिल से। आप कमेंट में बताइएगा कि यदि इसी तरह की और PPT प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी तो आपको कैसा रहेगा, और धन्यवाद, कमेंट में बताते रहिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बताइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा किस प्रकार की जानकारी मिली, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ही नहीं संस्था के 22 यूट्यूब चैनल है, सबको सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई पूछना चाहते हैं या कमेंट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वहां से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन्होंने वीडियो को स्टॉप करके रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, वो सोच रहे हैं कि अंत में करेंगे, तो वो भी समय आपका आ गया है, अब आप ये वीडियो पूरा होने वाला है और अब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ये मौका गंवाइएगा मत, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हम अभी तक अभाग्य नहीं हैं, हम अभी तक जागे नहीं हैं, तो जाग जाइए, अपने आप को प्रमोट कीजिए। तो ठीक है साथियों, नमस्कार।